जम्मू कश्मीर करगिल में प्रकृति के प्रकोप की तस्वीरें सामने आई हैं। बाढ़ के बाद इलाके में मलबा फैल गया। इधर मौसम विभाग का यह कहना है कि आपदा ग्लेशियर के पिघलने से आई है। सैलाब का ये रूप डराने वाला है, जहन को खौफ से भर देने वाला है। देखिए पहाड़ से मलबा किस कदर नीचे उतर रहा है। यह सैलाब सब कुछ तबाह कर देने पर तुला हुआ है। करगिल के संगूरा सकू में अचानक आई बाढ़ की इन तस्वीरों को देखिए। प्रलय क्या होती है उसे इस विनाशकारी तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। यहाँ हर तरफ मलबा पसरा है। सैलाब के साथ आए चट्टानों की वजह से पूरे इलाके में तबाही मची है। मलबे की चपेट में आ जाने से कई घर और मकान टूट गए। सड़कों पर कचड़ों का अंबार लग गया, जिसकी वजह से NH-301 को अस्थायी तौर पर बंद करना पड़ा। इसे कुदरत का कहर कहे या प्रकृति का प्रतिशोध, दरअसल करगिल में अचानक आई बाढ़ के पीछे ग्लेशियर टूटने की घटना को बताया जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अचानक तापमान में हुई वृद्धि से ग्लेशियर पिघला। 38 डिग्री तक तापमान पहुंचने से ग्लेशियर टूट गया। ग्लेशियर टूटने की वजह नदियों का जलस्तर बढ़ा और बाढ़ आई। अभी यह तबाही थमने नहीं वाली। प्रकृति के साथ किया गया मनुष्यों का खिलवाड़ ऐसे ही तबाही मचाएगा और हर साल ये तबाही बढ़ती जाएगी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।